नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पाकिस्तान आतंकियों को किस तरह रहने के लिए छत देता है और उसका भरण पोषण करता है, ये बात दुनिया में कहीं भी छिपी हुई नहीं है। हालात ये है कि खुद इमरान खान सरकार के मंत्री इस बात को कबूल कर रहे हैं कि तालिबानी आतंकियों के परिवार पाकिस्तान में पल रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको पाकिस्तान की वो काली सच्चाई बताएंगे जिसे अब उसने खुद स्वीकार कर लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में बड़ी हिंसा के बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान आतंकवादियों के परिवार राजधानी इस्लामाबाद के मशहूर इलाकों समेत विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं और कभी कभी स्थानीय अस्पतालों में उनका इलाज भी किया जाता है। टोलो न्यूज के मुताबिक शेख राशिद ने ये भी कहा कि तालिबानियों को मेडिकल इलाज तक दिया जाता है। उनका ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब तालिबान के आक्रामक रुख के चलते पिछले कुछ हफ्तों के दौरान अफगानिस्तान में भारी हिंसा देखी जा रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के नेताओं के इन आरोपों को निरंतर खारिज करता रहा है कि तालिबान अफगानिस्तान में विद्रोही गतिविधियों को निर्देशित करने और आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के निजी टीवी चैनल जियो न्यूज पर रविवार को प्रसारित इंटरव्यू के दौरान गृह मंत्री शेख राशिद ने कहा, तालिबानियों के परिवार यहां पाकिस्तान के रावात, लोही, भेर, बहारा कुहु और तरनौल जैसे इलाकों में रहते हैं। उन्होंने कहा कि कभी कभी उनके शव यहां पहुंचते हैं और वे मेडिकल इलाज के लिए भी यहां पर आते हैं। पाकिस्तानी गृह मंत्री ने जिन इलाकों का जिक्र किया उन्हें इस्लामाबाद के मशहूर उपनगरीय इलाके के नाम से जाना जाता है। राशिद ने उर्दू भाषा के चैनल से कहा, कभी कभार लड़ाकों के शव अस्पताल लाए जाते हैं तो कभी कभी वे इलाज के लिए यहां आते हैं। पाकिस्तान पर अक्सर अफगान तालिबान आतंकवादियों को पनाह देने और उनका समर्थन करने का आरोप लगाया जाता रहा है, जो पिछले दो दशकों से अफगानिस्तान सरकार से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के किसी शीर्ष मंत्री और वरिष्ठ राजनेता के जरिए इसे स्वीकार किया जाना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।